हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है MCQs ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जैसा कि हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की फर्स्ट क्लास में बताया था कि जैसे ही हमारा थ्योरी का पूरा डिस्कशन हो जाएगा, दैट इज़ कंटेंट का डिस्कशन हो जाएगा, उसके बाद हम इसके MCQ सेशन अपलोड करेंगे। अब उम्मीद करते हैं हम कि हमने जो इसका थ्योरी सेशन डाला है वो आप सब ने क्लास कवर की है, क्योंकि ओवरऑल वहाँ हमने 8 क्लासेस अपलोड की हैं जो कि टॉपिक वाइज हैं, एंड हमने उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो HRM की क्लासेस करने में। अगर आप वो थ्योरी क्लासेस कर लोगे तो आज की क्लास में जहाँ हम लोग MCQs डिस्कस करेंगे वहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, और बहुत ही ईजिली आप क्वेश्चन पढ़ करके उस क्वेश्चन का मतलब भी समझ जाओगे और उसका आंसर भी आपके पास होगा। तो अगर ये थ्योरी क्लासेस आपने नहीं की है तो कोई बात नहीं, इसकी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। वहाँ से मेरा सजेशन ये रहेगा कि सबसे पहले ये थ्योरी क्लास कर लेना बेटा, और उसके बाद फिर इस MCQ सेशन पे आना, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी मगअप नहीं करना होगा। क्लियर? तो चलो फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन जो कि है रिलेटेड टू MCQs ऑन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑन द डेट ऑफ जॉइनिंग द एम्प्लॉय इज इंट्रोड्यूस टू द कंपनी एंड अदर एम्प्लॉयज, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। नो डाउट जब नया एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करता है तो उसको कंपनी के बारे में भी बताना पड़ता है और बाकी एम्प्लॉयज़ के बारे में भी। तो ये बेसिकली किस तरह का प्रोसेस है, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन? तो करेक्ट आंसर होगा बी, इंडक्शन। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स अ कॉन्टिन्यूस फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कमेंट्स एंड सजेशंस फ्रॉम द मैनेजर टू द सबॉर्डिनेट। मैनेजर ये जो सबॉर्डिनेट को टाइमली इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कमेंट्स देते हैं, सजेशंस देते हैं, ये बेसिकली क्या है, काइंड ऑफ कोचिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, काइंड ऑफ कोचिंग। फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने इसलिए डिस्कशन नहीं किया क्योंकि ये हमारे डिस्कशन सेशन में हमने ऑलरेडी डील किया था जहां हमने इसकी थ्योरी पढ़ाई थी। नेक्स्ट, द ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज डन बेस्ड ऑन द HRP के बारे में भी हमने बताया ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के बारे में, और बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग किस चीज़ से रिलेटेड होती है, ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग से, ना कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रिलेटेड। क्लियर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑर्गेनाइजेशनल प्लान। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट इज कंसर्न विद द प्रोसेस ऑफ, अब देखो हमने ये भी बताया था डिस्कशन सेशन में कि रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, कि जब ऑर्गेनाइजेशन को ये पता होता है, जब ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को पता होता है कि उनको एक वैकेंट प्लेस पे एक पर्सन अपॉइंट करना होगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो बेसिकली क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट करते हैं। किस प्रोसेस के लिए, रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए, और उनके पास वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, और उन ऑप्शंस में से जो सबसे बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट में बेसिकली क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ राइट कैंडिडेट, नो, डेवलपिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, इन्वाइटिंग एप्लीकेशन फॉर जॉब्स, नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, डेवलपिंग अ पूल ऑफ पोटेंशियल एम्प्लॉयज, कि जहाँ पे हम बहुत सारे ऑप्शंस अपने पास रेज करते हैं सो दैट उन ऑप्शंस में से हम किसी एक राइट एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करा सके। क्लियर? तो रिक्रूटमेंट के बारे में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया है अपने सेशन में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग HR, ये तो हम लोग प्लान करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ HR प्लान भी करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में भी एनालिसिस करते हैं, बट क्या रिक्रूटमेंट ये प्लानिंग का प्रोसेस है? नहीं, प्लानिंग में तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि हमारे पास कितनी वेकेंट पोजीशंस हैं, हमें कितने फर्दर एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करना पड़ेगा, किस तरीके से हमारे गोल्स हम अचीव कर पाएंगे, ये सारे पार्ट है किसके, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के, बट रिक्रूटमेंट HRP का प्लान नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, An interview conducted at the time of an employee leaving the organization is called, जब वो छोड़ करके जा रहा है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंटरव्यू होता है उसको हम कहते हैं एग्जिट इंटरव्यू, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, कलेक्शन और एग्रीगेशन ऑफ टास्क ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज नोन एज, जहाँ आपको बहुत सारे टास्क ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है उनको हम क्या बोलते हैं, बट ऑफ इज जॉब। तो करेक्ट आंसर होगा बी, जॉब। नेक्स्ट, डैश इन्वॉल्व्स अ कलेक्शन ऑफ जॉब रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ था, जॉब एनालिसिस में, और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, जॉब डिजाइनिंग, ये भी हमने अपने ऑलरेडी डिस्कशन सेशन में डिस्कस किया हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, बी, जॉब एनालिसिस। नेक्स्ट,
डैश डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू ऑपरेशंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ स्पेसिफिक जॉब. अगेन अगर हम लोग स्पेसिफिक जॉब के बारे में बात करें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं, तो ये किस तरह का प्रोसेस है जॉब एनालिसिस का. और हमने अपने डिस्कशन सेशन में भी बताया था कि जॉब एनालिसिस एज वेल एज जॉब डिज़ाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से. नेक्स्ट, डैश इज अ स्टेटमेंट ऑफ ह्यूमन क्वालिफिकेशंस नेसेसरी टू डू द जॉब. अब देखो यहाँ पे हम बात करें क्वालिफिकेशंस की, कि एटलीस्ट आप कितने क्वालिफाइड होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन, आप कितने ज़्यादा क्वालिफाइड होने चाहिए कि आपको वो पर्टिकुलर जॉब मिल सके. जॉब डिस्क्रिप्शन नो, जॉब एनालिसिस नन ऑफ द अबव. करेक्ट आंसर क्या होगा? जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन में हमेशा याद रखना, जो भी ह्यूमन रिसोर्स हमें अपॉइंट करना है उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, हम सिर्फ उस पर फोकस करते हैं तो उसको हम कहते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन. क्लियर? अब जैसे अगर मान लो हमें एक पर्टिकुलर जॉब पर रखना है, तो इस जॉब में क्या चीज़ें होनी चाहिए, इस जॉब से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है कि इस जॉब में क्या काम होगा, क्या टास्क परफॉर्म होगा, इसको हम कहते हैं जॉब एनालिसिस. क्लियर? बट अगर हम ये कह रहे हैं कि एक जॉब से रिलेटेड कि एक पर्टिकुलर जॉब करने के लिए आप में क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, उसको हम क्या कहते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल पर्टिनेंट जॉब फैक्ट्स. जॉब से रिलेटेड सारे फैक्ट्स हम कहाँ कलेक्ट करते हैं? जॉब एनालिसिस में. क्लियर? तो जॉब एनालिसिस एंड जॉब स्पेसिफिकेशन याद रखना कि दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम गैदर करते हैं, बट जॉब एनालिसिस में बाकी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं कि कितना एक्सपीरियंस चाहिए, कितना नॉलेज चाहिए, किस तरह से काम होगा, उसमें कौन कौन सा टास्क इन्वॉल्व है. जॉब स्पेसिफिकेशन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. नेक्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन डज नॉट कंटेन डिटेल अबाउट बट ऑब्वियस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्योंकि क्वालिफिकेशन के बारे में जॉब स्पेसिफिकेशन बताता है, ना कि जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि जॉब की समरी क्या है, लोकेशन क्या है, क्या वर्किंग कंडीशन है, बाकी सारी चीज़ें जॉब डिस्क्रिप्शन में आएंगी कि आप जिस जॉब को कर रहे हो वो किस तरह की जॉब है, किस लोकेशन पे आपसे जॉब कराई जा रही है, किस तरह का आपको इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है. बट क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जॉब डिस्क्रिप्शन का पार्ट है? नहीं, वो जॉब स्पेसिफिकेशन का पार्ट है. नेक्स्ट, जॉब डिस्क्रिप्शन इंक्लूड्स इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सुपरविजन गिवन एज वेल एज रिसीव्ड. करेक्ट आंसर होगा सी, बोथ ए एंड बी. वर्किंग कंडीशन एंड हैजार्ड्स इन्वॉल्व्ड इन अ जॉब इज इंक्लूडेड इन नो डाउट जॉब डिस्क्रिप्शन. नो डाउट हमने अभी ऊपर बताया कि आप जिस एनवायरनमेंट में भी काम कर रहे हो, अपनी जॉब को परफॉर्म कर रहे हो, वो किसका पार्ट होता है? जॉब डिस्क्रिप्शन का. क्लियर? तो देखो तीन चीज है, एक है जॉब एनालिसिस, एक है जॉब स्पेसिफिकेशन और एक है जॉब डिस्क्रिप्शन. जॉब एनालिसिस में हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि जिस पर्टिकुलर जॉब की हम बात करें, जो जॉब वैकेंट है, उसमें क्या क्या टास्क हमें उनसे परफॉर्म कराने हैं, किस तरह का उनको काम देना होगा, किस तरह के इंसान को हमें अपॉइंट करना होगा, क्या उसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए. क्लियर? कितनी उनको नॉलेज होनी चाहिए, ये हम देखते हैं जॉब एनालिसिस में. जॉब स्पेसिफिकेशन में किसी पर्टिकुलर जॉब पर रखने के पहले किसी पर्सन की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं. एंड जॉब डिस्क्रिप्शन, कि जब आपको जॉब मिल गई तो उसके बाद हम ये बात करते हैं कि आपकी जॉब में क्या क्या आपको ड्यूटीज असाइन की गई है, दैट इज जॉब समरी क्या है, किस तरह का आपको वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड किया गया, एंड सो ऑन. क्लियर? नेक्स्ट, टेक्निक्स ऑफ कलेक्टिंग जॉब एनालिसिस डेटा डज नॉट इंक्लूड. जॉब एनालिसिस डेटा अगर हम कलेक्ट कर रहे हैं तो नो डाउट पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेंटेनेंस ऑफ लॉग रिकॉर्ड, सेंडिंग आउट क्वेश्चनआयर्स, बट क्या ट्रेनिंग इसका पार्ट हो सकता है? नहीं. तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रेनिंग. द एक्टिविटीज इन ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डज नॉट इंक्लूड्स, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है. करेक्ट आंसर होगा सी, रिक्रूटमेंट. नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ फोरकास्टिंग डेवलपिंग कंट्रोलिंग ह्यूमन रिसोर्स इन एन एंटरप्राइज इज, मतलब आप फोरकास्ट भी कर रहे हो, अकॉर्डिंगली डेवलप भी कर रहे हो, अकॉर्डिंगली कंट्रोलिंग भी कर रहे हो, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, क्योंकि ये एक ऐसी प्रोसेस है ना जहाँ पे बेसिकली हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? प्लानिंग की. नेक्स्ट, डैश इज अ प्रोसेस विच इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशन टू रन स्मूथली बाय सप्लाइंग रिक्वायर्ड एंड डिजायर्ड वर्क फोर्स एट द राइट टाइम. सही समय पे सही पर्सन को अपॉइंट करने की बात कहाँ होती है? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में. नेक्स्ट, इंडक्शन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नो डाउट ट्रेनिंग, क्योंकि इंडक्शन बेसिकली किसका पार्ट है? ट्रेनिंग का. क्योंकि देखो हमने लोगों को बुलाया कि ठीक है आप
ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करो, उनमें से किसी एक राइट पर्सन को सेलेक्ट कर लिया, बट जब हम उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं या कह लो कि जब ऑर्गेनाइजेशन से हम इंट्रोड्यूस कराते हैं, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ही इंडक्शन का प्रोसेस चलता है। और जब आप इंडक्शन प्रोसेस स्टार्ट करो तभी तो उनको पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह का काम होता है, किस तरह के इंप्लॉयज़ यहाँ वर्क करते। क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा ए, ट्रेनिंग। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग इंक्लूड द नॉलेज गेन रिलेटेड टू द जॉब ओनली, इट इज़ शॉर्ट टर्म इन नेचर, द स्कोप ऑफ लर्निंग इज लिमिटेड टू द जॉब ओनली। बट ऑब्वियस अगर ट्रेनिंग से रिलेटेड बात करें तो ट्रेनिंग किससे रिलेटेड होती है, नॉलेज से या लर्निंग से, और वो हमेशा शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते कि आप एक एम्प्लॉय को अगर ट्रेन कर रहे हो तो उस केस में उसको लाइफ लॉन्ग हमें उसको ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करनी पड़ेगी, नो डाउट। और जो इन्वायरमेंट है वो बहुत डायनामिक है, कुछ ना कुछ ऐसे चेंजेस आते रहते हैं जिसके लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम रन करना ही पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन को। क्लियर? तो ट्रेनिंग में आप ये नहीं कह सकते कि लॉन्ग टर्म है, एक बार आपने एक एम्प्लॉय को ट्रेन कर दिया तो ऐसा नहीं है कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन चल रही है तब तक वो वर्क परफॉर्म कर पाएगा, टाइम टू टाइम आपको उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश कैन बी डिराइव फ्रॉम जॉब एनालिसिस। अगर आपको पता है कि जिस जॉब की आप बात कर रहे हो उसमें किस तरह की नॉलेज चाहिए, किस तरह का एक्सपीरियंस चाहिए, क्या टास्क है, तो नो डाउट आप जॉब डिस्क्रिप्शन भी कर सकते हो एंड जॉब स्पेसिफिकेशन भी, मतलब उसके बेसिस पे आप उनके एडुकेशनल क्वालिफिकेशन भी बता सकते हो, और उसके केस में आप ये भी बता सकते हो कि किस तरह का वर्किंग एनवायरमेंट होगा, किस तरह का लोकेशन होगा, किस तरह की जॉब समरी होगी, ये सारी चीज़ें आप किस पे बेस्ड बता सकते हो, जॉब एनालिसिस पे। तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, A written summary of content and context of job is called, no doubt इसका करेक्ट आंसर होगा बी, जॉब डिस्क्रिप्शन, क्योंकि समरी की बात कर रहे हैं और जॉब समरी कहाँ होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन में। नेक्स्ट, A written summary of KSA required to perform a job is, what is KSA? Knowledge, skill and attitude. तो जब बात हुई नॉलेज की तो हमने किसकी बात कर ली, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन की, है ना, तो ये कहाँ होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में, क्योंकि जॉब स्पेसिफिकेशन में हम बात करते हैं कि हम किस तरह के क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किस तरह के स्किल्स की बात कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट, केएसए रिप्रेजेंट्स, ऊपर बताया नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड, तो करेक्ट आंसर होगा डी, टू बी एथिकल एंड सोशल टुवर्ड्स नीड्स ऑफ सोसाइटी, डैश इज ऑब्जेक्टिव ऑफ एचआरएम। सोशल एंड एथिकल की बात करें तो सोशल, आप देखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम भी हमने डिटेल डिस्कशन किया है, हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरएम पे ऑलरेडी एक इंडिविजुअल क्लास अपलोड की हुई है, तो वो क्लास आप जरूर से कवर कर लेना। नेक्स्ट, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज, देखो सबसे पहला मोटिव तो यही होता है कि हम ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कर ले जाएं, मतलब एक ही तरह के बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है ना, मतलब मार्केट में तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, तो आपका सबसे पहला मोटिव यही होता है कि पहले आपकी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव कर जाए, अगर वो एक बार टिक गई तो फिर हम लोग नेक्स्ट चलते हैं प्रॉफिट की तरफ, पर सबसे पहला हमारा मोटिव क्या होता है, सर्वाइवल का। नेक्स्ट, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज आर डैश इन नेचर, नो डाउट हेट्रोजीनियस, आप ये नहीं कह सकते कि सारे ह्यूमन रिसोर्स एक तरह के होंगे, वो सेम ही तरीके से सेम पैटर्न पे बिहेवियर दिखाएंगे, उनका सेम मोटिव होगा ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का, सेम डिमांड्स होंगी, कभी भी ऐसा नहीं होता। इनफैक्ट ह्यूमन रिसोर्सेज तो इतना डिफर करते हैं नेचर में कि कुछ लोगों को मॉनिटरी अप्रेजल चाहिए होता है और कुछ लोगों को नॉन मॉनिटरी अप्रेजल चाहिए होता है। क्लियर? तो वो हेट्रोजीनियस होते हैं ना कि होमोजीनियस इन नेचर, मतलब सेम नेचर के नहीं होते, अलग अलग डिफरेंट काइंड के नेचर के होते हैं कौन, ह्यूमन रिसोर्सेज। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इंक्लूड्स, स्कोप की बात किया है, इस पर हमने ऑलरेडी डिटेल क्लास अपलोड की है, प्रोक्योरमेंट डेवलपमेंट कंपनसेशन, करेक्ट आंसर क्या होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हेल्प्स इंप्रूव प्रोडक्शन, नो, प्रॉफिट, नो, पावर, नो, प्रोडक्टिविटी, क्योंकि देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का काम ये होता है कि वो अपने ह्यूमन रिसोर्स को मोटिवेट करते हैं सो दैट वो अपना 100% सर्व कर पाए, और अगर ह्यूमन रिसोर्स अपना 100% सर्व कर पाएंगे तो वो इतने प्रोडक्टिव होंगे कि वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, प्रोडक्टिविटी, कि वो आपकी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं कि आप अपना 100% सर्व कर पाओ। क्लियर? नेक्स्ट, पर्सनल मैनेजमेंट इज प्रोएक्टिव कॉन्टिन्यूस मल्टीडिसिप्लिन और रूटीन, करेक्ट आंसर होगा डी, रूटीन। नेक्स्ट, इन मॉडर्न सिनेरियो अ कंपनीज लॉन्ग टर्म एडवांटेज लाइज इन, नो डाउट ह्यूमन रिसोर्स, अगर आपको लॉन्ग टर्म एडवांटेज देखना है तो आप कहाँ देखोगे, ह्यूमन रिसोर्स में, क्योंकि अगर आपने आज राइट पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट किया है तो नो डाउट उसका एडवांटेज आपको बहुत लंबे समय तक मिलने वाला है। टेक्नोलॉजी का,
बेनिफिट कुछ टाइम तक मिलेगा, बिजनेस लोकेशन का बेनिफिट कुछ टाइम तक मिलेगा, नए मार्केट का बेनिफिट कुछ टाइम तक मिलेगा, बट अगर ह्यूमन रिसोर्स की बात करें तो उसका बेनिफिट हमें बहुत लॉन्ग टाइम तक मिल सकता है अगर वो राइट पर्सन है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो. क्लियर? नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग हेड. अगर फंक्शंस की बात करें तो उसमें हमने दो पॉइंट बताया था, फर्स्ट वन इज मैनेजेरियल एंड सेकेंड वन इज ऑपरेशनल. देखो इन सब पे हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है. तो मैनेजरियल तो करेक्ट है, एनालिटिकल भी करेक्ट है और डेवलपमेंटल भी करेक्ट है, बट क्या हम डिपार्टमेंटल की बात करते हैं? नहीं. वहाँ पे जब हम फंक्शंस की बात करते तो हम किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहे थे. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी. नेक्स्ट, द फंक्शंस ऑफ HRM इज पर्टेन टू, अगर HRM फंक्शंस की बात करें दैट इज मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल, तो नो डाउट ये पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कवर कर रहा था, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एज वेल एज ऑपरेशनल लेवल मैनेजर. नेक्स्ट, मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ HRM इज मस्ट फॉर डैश ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम मैनेजरियल फंक्शन की बात करें, ऑपरेशनल की नहीं, तो मैनेजरियल फंक्शन में तो हम यही डिसाइड करते हैं ना कि हमारी क्या पॉलिसीज होंगी और किस तरीके से हम उनको इम्प्लीमेंट करा सकते हैं. तो नो डाउट स्मूथ रनिंग के लिए हमें हेल्प करेगा कौन? मैनेजरियल फंक्शंस. द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड इनोवेशन, एम्प्लॉय रिलेशंस, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन. ये बेसिकली कहाँ पे था? ऑपरेशनल फंक्शन पे. मैनेजरियल फंक्शन में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम किस तरीके से अपने प्लान्स एंड पॉलिसीज फॉर्मुलेट करेंगे और किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करा सकते. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी. अब इफ इन केस आपने हमारी सारी क्लासेस की हैं, थ्योरी क्लास, तब तो देखो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, बट अगर आपने थ्योरी क्लास नहीं की है तो ये सारा का सारा क्वेश्चन आपको मगअप करना पड़ेगा. और आपको कुछ मगअप ना करना पड़े, लर्न ना करना पड़े, इसीलिए हमने थ्योरी सेशंस अपलोड किए हैं. तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि पहले आप थ्योरी सेशंस कंप्लीट कर लो और फिर MCQ सेशन पे आना. नेक्स्ट, डैश फंक्शंस आर द HR फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्ट्रेट द मैन पावर इन द ऑर्गेनाइजेशन. जब आप मैन पावर को गाइड करते हो कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के प्लान को फुलफिल करना है, अचीव करना है, तो ये कहाँ होता है? ऑपरेशनल फंक्शंस में. मैनेजरियल फंक्शंस में प्लान बनाते हैं और ऑपरेशनल फंक्शंस में उनको फुलफिल कराते हैं. नेक्स्ट, द प्लानिंग फंक्शन इन मैनेजरियल फंक्शन ऑफ HRM इंक्लूड्स प्लान फॉर. अब देखो मैनेजरियल फंक्शन में हमने सबसे पहला स्टेप ही बताया था प्लानिंग का, अक्वायरिंग बेस्ट एम्प्लॉय, इंगेजिंग द एम्प्लॉय, प्रॉपर ट्रेनिंग टू देम. हमने वहाँ पे बताया था कि हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि हम ये देखते हैं कि राइट पर्सन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है हम उसको अपॉइंट कर लें. मतलब जो भी हमने प्लान बनाया है हम ये देखते हैं कि क्या उस प्लान को फुलफिल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में कोई वैकेंट प्लेस है. अगर वैकेंट प्लेस है तो उस वैकेंट प्लेस पे हम राइट पर्सन को अपॉइंट कर सके. तो पहले हम देखते हैं, प्लानिंग करते हैं कि अच्छा वैकेंसी है, उस पे हमें अपॉइंटमेंट करना है और फिर हम सही पर्सन को सही टाइम पे सही जॉब पे अपॉइंट करते. तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि प्लानिंग में हम ये सारी चीज़ें करते हैं. नेक्स्ट, डैश स्टेट्स द वे अबाउट वॉट आर द एक्टिविटीज दैट नीड टू बी कंडक्टेड, वेन इट इज टू बी कंडक्टेड एंड हाउ इट इज टू बी कंडक्टेड. नो डाउट इसका करेक्ट आंसर होगा प्लानिंग. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज अ पार्ट ऑफ डैश फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर हम HRP की बात करें तो ये सबसे पहला स्टेप था, या कह लो सबसे पहला पार्ट था किसका? ऑपरेशनल फंक्शन का, जो कि हमने अपने डिस्कशन सेशन में बताया था. नेक्स्ट, द ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ HRM डज नॉट इंक्लूड ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग. तो इंक्लूड करता है, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम भी इंक्लूड करता है, एम्प्लॉय सेफ्टी भी इंक्लूड करता है, बट क्या एम्प्लॉय इंगेजमेंट ये पार्ट है ऑपरेशनल फंक्शन का? नो. तो करेक्ट आंसर होगा डी. नेक्स्ट, द सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न ऑफ द एम्प्लॉयज डज नॉट इंक्लूड ड्रेस कोड. नो डाउट करेक्ट आंसर होगा सी, ड्रेस कोड. अगर हम सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न की बात करें तो टेम्परेचर, एयर फ्लो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं आपके वर्क प्लेस पर, बट क्या ड्रेस कोड मैटर करता है आपकी सेफ्टी एंड हेल्थ कंसर्न के लिए? नो. तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, डैश फंक्शंस आर द फंक्शंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एनहांस द स्किल एंड नॉलेज ऑफ द एम्प्लॉयज. डेवलपमेंटल, मैनेजरियल, ऑपरेशनल, नन ऑफ द अबव. बेसिकली अगर हम लोग मैनेजरियल या ऑपरेशनल फंक्शंस की बात करें तो वहाँ हमने ये पॉइंट्स नहीं देखे थे, वहाँ पे स्किल एंड नॉलेज की बात नहीं होती. तो स्किल एंड नॉलेज की बात कहाँ होगी? डेवलपमेंटल फंक्शंस में. तो ये एक नया पॉइंट था, ये चीज़ आप लोग लर्न कर लेना कि डेवलपमेंटल फंक्शंस में हम अपने एम्प्लॉयज़ की स्किल्स को एंड नॉलेज को इन्हांस करते हैं. नेक्स्ट, द डेवलपमेंट फंक्शंस ऑफ HRM इंक्लूड्स ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑल ऑफ द अबव. अगर हम डेवलपमेंट फंक्शन की बात करें तो नाम से ही समझ में आ रहा है, जहां हम बात करें ओवरऑल डेवलपमेंट की, तो जब हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो उसमें डेवलपमेंट भी आएगा, ट्रेनिंग भी आएगी और क्वालिटी मैनेजमेंट भी आएगा. तो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव.
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिकम्स अ क्रिएटिव फैक्टर इन प्रोडक्शन? नो डाउट करेक्ट आंसर होगा डी, ह्यूमन रिसोर्सेज. नेक्स्ट, द फोकस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रिवॉल्व्स अराउंड, करेक्ट आंसर होगा सी, मेन, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज एम्प्लॉइज. नेक्स्ट, डिमांड फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट इज क्रिएटेड बाय एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री, शॉर्टेज ऑफ लेबर, अबंडेंस ऑफ कैपिटल और रॉ मटेरियल. करेक्ट आंसर होगा ए, एक्सपेंशन ऑफ इंडस्ट्री. और ये पॉइंट भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था अपने डिस्कशन सेशन में. नेक्स्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज प्राइमरली कंसर्न विद, अगर HRM की बात होगी ना तो हमेशा याद रखना कि हम किसकी बात करें, लोगों की, एम्प्लॉइज की. तो करेक्ट आंसर होगा बी, डायमेंशंस ऑफ पीपल. नेक्स्ट, HRM aims to maximize employees as well as organizational effectiveness, economy, efficiency, efficacy. अगर हम human resource management की बात करें, हम employees की as well as organization की productivity या केवल effectiveness को improve करने की कोशिश करते हैं कि वो कम से कम wastage में ज़्यादा से ज़्यादा resources produce कर पाएं. Clear? तो correct answer होगा A, effectiveness. Next, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन डज नॉट इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, तो था, सिलेक्शन भी था, ट्रेनिंग भी था, बट क्या कॉस्ट कंट्रोल इनका पार्ट है? नहीं, इनका पार्ट सिर्फ और सिर्फ किससे रिलेटेड होता है? ह्यूमन रिसोर्स से, ना कि कॉस्ट से रिलेटेड. अगर आपके ह्यूमन रिसोर्स को आप प्रॉपर गाइड करोगे, प्रॉपर मोटिवेट करोगे, तो नो डाउट इनडायरेक्टली आप कॉस्ट कंट्रोल कर ले जाओगे, बट वो बेसिकली कहीं मेंशन नहीं है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में. क्लियर? तो करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट, Which one is not the specific goal of human resource management? Attracting applicants, retaining employees, selecting employees. But क्या separating employees, employees को अलग करना, क्या ये human resource management का काम है? नहीं, उनका काम तो ये है कि वो सारे employees को साथ में लेके चलते हैं. तो correct answer क्या होगा? B. अब यहाँ देखो, हमने already 50 MCQs discuss कर लिए हैं related to HRM. ये हमारा first part था, और बहुत जल्दी हम इसका सेकेंड पार्ट भी अपलोड करेंगे जहां हम फर्दर 50 MCQs अपलोड करेंगे. अब HRM की अगर बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, CUCET, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में कवर करेंगे. तो ये सारे सेशंस आप क्लियर करके MCQ सेशन जरूर कवर कर लेना, सो दैट एग्जाम में जो भी 5-6 MCQs आपके पास आएंगे, ना तो वो आपको लर्न करके जाने पड़ेंगे और ना ही वो आपको स्किप करने पड़ेंगे. क्लियर? तो उम्मीद करते हैं आपको हमारा आज का सेशन समझ में आया होगा. और बाकी जितनी भी थ्योरी क्लासेस हैं सब आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि हमने पहले बताया कि हम इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना चुके हैं. अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, सो दैट आपको आगे के क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल पाए. एंड अगर आपको हमारा आज का क्लास पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करिएगा. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.